गाड़ी मतलब कि कार जिसमें चार पहिए होते हैं, एक इंजन होता है, चार सीट होती हैं जिस पर चार लोग बैठते हैं, तेल डलवाते हैं और कहीं भी चले जाते हैं। जब तक मार्केट में नैनो अवेलेबल थी तब तक ये 1 लाख रुपए की मिल जाया करती थी। अब जब नैनो नहीं है तो ये 3.5-4 लाख रुपए की आ जाती है। इसी गाड़ी का साइज बढ़ाकर, ज़्यादा पावरफुल इंजन लगाकर, 4 की जगह 5, 6 या 7 सीट लगाकर, ज़्यादा फीचर्स ऐड करने के बाद में इस गाड़ी के तरह तरह के रूप बना दिए जाते हैं, जिनको आपको कभी 15 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपये या 1.5 या 5 करोड़ रुपये तक का बेचा जाता है। हम सभी आम आदमी हैं, अपने आसपास 5, 10, 15, 20, 25 या 50 लाख रुपए तक की गाड़ियों से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी कितने की है? कई सारे लोगों ने, दोस्तों ने चाय के टपर पर बैठकर या किसी कमरे में बैठकर अंदाज़ा लगाया होगा कि यार पूरी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी कम से कम 20-25 करोड़ रुपये की तो आती होगी। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ रुपये का। लेकिन असल में ये अंदाज़ा असल महंगी गाड़ी का आधे का आधा भी नहीं है। तो क्या आप जानना चाहते हैं इस पूरी दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी कितने की आती है? तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दुनिया की 10वीं सबसे महंगी गाड़ी है लंबोर्गिनी वेनेनो, जो $45 लाख $45 लाख की आती है। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 32 करोड़ 85 लाख रुपए की आती है। वेनेनो एक लिमिटेड प्रोडक्शन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है जो कि लंबोर्गिनी एवेंटेडर के ऊपर बेस्ड है। इस गाड़ी को स्पेशली बनाया गया था लंबोर्गिनी की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। इस गाड़ी को 2013 में हुए जेनेवा मोटर शो में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस गाड़ी का जो फ्रंट है उसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि एयर फ्लो मैक्सिमम हो सके और डाउन फोर्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। इस गाड़ी का कर्व वेट है, मतलब कि वजन है 1490 किलोग्राम्स, 1490 किलोग्राम्स। रही बात इंजन की तो इसमें 6.5 लीटर 12 वाल्व इंजन मिलता है जो 740 bhp की पावर जनरेट करता है और 690 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 356 किलोमीटर पर आवर, 0 to 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 2.8 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। 9वीं सबसे महंगी गाड़ी है कॉनिकसैक्स CCXR ट्रेविटा, जिसकी कॉस्ट है $48 लाख। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 35 करोड़ 4 लाख रुपए। ये गाड़ी असल में CCXR का लिमिटेड एडिशन था और इसकी खासियत थी डायमंड वीव कार्बन फाइबर फिनिश, मतलब कि इस गाड़ी की जो कार्बन बॉडी थी इसके ऊपर डायमंड फिनिश वर्क किया गया था। शुरुआत में तो प्लान किया गया था कि इस गाड़ी की टोटल 3 यूनिट्स बनाई जाएंगी, लेकिन इसकी कार्बन बॉडी के ऊपर जो डायमंड वीव फिनिश देने का काम था वो इतना ज्यादा कठिन था कि कंपनी ने 2 यूनिट बनाकर ही काम बंद कर दिया। 2009 में फोर्ब्स ने इस गाड़ी को 10 मोस्ट ब्यूटीफुल कार्स ऑफ द हिस्ट्री की लिस्ट में शामिल किया था। इंजन की बात करें तो इसमें 4.8 लीटर का इंजन मिला करता था जो 1018 PS की पावर जनरेट किया करता था और 1080 Nm का टॉर्क। 0 to 100 km/h की स्पीड को ये सिर्फ 2.9 सेकंड्स में अचीव कर लिया करती थी। इसकी टॉप स्पीड थी 400 km/h। 8वीं सबसे महंगी गाड़ी है पगानी हुएरा एमोला। आपको बोलने से तो इसका नाम समझ में आया नहीं होगा, जो लिखा हुआ है वहां से आप स्पेलिंग देख सकते हो, क्योंकि मैं खुद 3000 बार बोलने के बाद इसका नाम सीख पाया हूँ। इस गाड़ी की कॉस्ट है $54 लाख, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 39 करोड़ 42 लाख रुपीज होती है। इस गाड़ी का नाम एक फेमस इटालियन रेसिंग सर्किट के ऊपर रखा गया था, जहां पर इसको काफी ज्यादा टेस्ट किया गया था। इस गाड़ी को 2019 में स्विट्जरलैंड में रिवील किया गया था और प्लान किया गया था कि इस गाड़ी के सिर्फ 5 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी, क्योंकि ये हुएरा का ना सिर्फ एक स्पेशल वेरियंट था बल्कि हुएरा का एक मोस्ट पावरफुल स्ट्रीट लीगल वेरिएंट था। इस गाड़ी में 6 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो 827 bhp की पावर जनरेट करता है और 1100 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी का वजन है, मतलब कि कर्व वेट है 1246 किलोग्राम्स। 7वीं सबसे महंगी गाड़ी है बुगाटी डीवो, जो कि $60 लाख की मिलती है, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 43 करोड़ 80 लाख रुपए की। इस गाड़ी का नाम एक फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर एल्बर्ट डीवो के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने 1920 में टारगा फ्लोरियो की रेस को 2 बार जीता था लगातार। इस गाड़ी की खासियत है कि ये रेसिंग के दौरान कॉर्नर्स में बुगाटी चिरोन से भी ज़्यादा तेज चल सकती है। इस गाड़ी की सिर्फ 40 यूनिट्स ही बनाई गई थी और जिस दिन बिकने के लिए ये गाड़ी अवेलेबल हुई मार्केट में, उसी दिन 40 की 40 यूनिट्स बिक गई थी। इस गाड़ी में 8 लीटर का क्वाड टर्बोचार्ज्ड W6 इंजन मिला करता है जो 1479 bhp की पावर जनरेट करता है और 1600 Nm का टॉर्क। इसके अलावा इस गाड़ी से जुड़ी हुई एक और खास बात है कि पूरी दुनिया में सबसे बकवास माइलेज इसी गाड़ी का है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और छठवीं सबसे महंगी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है मर्सिडीज की मेबैक एक्सेलेरो, जो कि 80 लाख डॉलर्स की मिलती है, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 58 करोड़ 40 लाख रुपीस की। ये एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है जिसे स्टोला ने बनाया था डेमलर क्राइसलर के साथ मिलकर, जिसकी मर्सिडीज कंपनी है। इस गाड़ी को 2005 में बर्लिन में अनवील किया गया था। असल में इस गाड़ी को बनवाया था फुल्डा ने अपने एक्सेलेरो मॉडल के टायर्स को टेस्ट करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि फुल्डा असल में गुडियर की एक जर्मन सब्सिडियरी है। फुल्डा वालों ने एक रिक्वेस्ट भी रखी थी कि ये गाड़ी कम से कम 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चले जानी चाहिए, और ऐसा मर्सिडीज वालों ने करके भी दिखाया। ये कोई पहली गाड़ी नहीं थी जो फुल्डा वालों ने अपने सिर्फ टायर्स टेस्ट करवाने के लिए बनवाई थी, इसके पहले एक और बनवा चुके हैं। इसमें 5.9 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड 12 वाल्व इंजन मिलता है जो 690 bhp की पावर जनरेट करता है और 1020 nm का टॉर्क। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 351 किलोमीटर पर आवर। पांचवी सबसे महंगी गाड़ी है बुगाटी चेंटो GHE। इस गाड़ी की कॉस्ट है 90 लाख डॉलर्स, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 65 करोड़ 70 लाख रुपीज। इस गाड़ी को सिर्फ बुगाटी की 110वीं बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था और इसकी सिर्फ 10 यूनिट्स को बनाया गया था। असल में ये गाड़ी बुगाटी EB110 का मॉडर्न वर्जन है। इस गाड़ी में 8 लीटर क्वाड टर्बोचार्ज्ड W16 इंजन मिलता है जो 1578 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है। 0 to 100 km/h की स्पीड को ये सिर्फ 2.4 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 380 km/h। इस गाड़ी का कर्व वेट है 1976 किलोग्राम्स। चौथी सबसे महंगी गाड़ी भी बुगाटी की है, जिसका नाम है ला वॉयचर नोयर। यार जब फ्रेंच बोल बोल के मैं अपनी हिंदी ना भूल जाऊँ। ला वॉयचर नोयर एक फ्रेंच लैंग्वेज है और जिसका हिंदी मतलब होता है ब्लैक कार। यार इतना सिंपल मतलब है तो अटपटे तरीके से क्यों बोल रहे हो यार। इस गाड़ी की कॉस्ट है 125 लाख डॉलर्स, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 91 करोड़ 25 लाख रुपीस। हालांकि जब इस गाड़ी को आखिरी बार बेचा गया था तब ये कुछ ज्यादा महंगी बिकी थी, 187 लाख डॉलर्स की। इस गाड़ी को 2019 में हुए जेनेवा मोटर शो में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ स्पेशल एडिशन, और साथ ही में ये भी अनाउंस किया गया था कि असल में ये एक कंसेप्ट कार है, 2.5 साल बाद इसका प्रोडक्शन मॉडल निकल कर आएगा। इसकी जो बॉडी है वो असल में हैंड बिल्ट है और कार्बन फाइबर से बनाई गई है। इसमें 6 एग्जॉस्ट पाइप्स दिए हुए हैं, आप पीछे इमेजेस में देख सकते हैं। इसमें 8 लीटर क्वाड टर्बोचार्ज्ड W16 इंजन मिलता है जो 1479 bhp की पावर जनरेट करता है और 1600 nm का टॉर्क। इसमें 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक मिलता है विद 4-व्हील ड्राइव सिस्टम। 0 to 60 miles/h की स्पीड को ये सिर्फ 3 सेकंड में अचीव कर लेती है। तीसरी पोजीशन पर है रोल्स रॉयस की स्वैपटेल। ये आया ना कुछ अच्छा सा नाम। इसकी कॉस्ट है 128 लाख डॉलर्स, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 93 करोड़ 44 लाख रुपीस। इस गाड़ी को 2017 में रिवील किया गया था और रिवील होते ही ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कार बन गई थी, लेकिन फिर इससे और महंगी आ गई। ये गाड़ी की डिजाइन बेस्ड है रोल्स रॉयस की फैंटम कूप के ऊपर, लेकिन फिर भी रोल्स रॉयस वालों को इसको डिजाइन करने में 4 साल लग गए क्योंकि ये हैंड बिल्ट है। इसमें 6.75 लीटर 12 वाल्व इंजन दिया गया है जो 453 bhp की पावर जनरेट करता है और 531 nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 241 किलोमीटर पर आवर। दूसरी सबसे महंगी गाड़ी है, अरे यार ये फिर आ गए अटपटे नाम, पैगानी जोंडा HP बर्चेटा। इस गाड़ी की कॉस्ट है 176 लाख डॉलर्स, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 128 करोड़ 48 लाख रुपीस। पैगानी एक इटालियन कंपनी है और इस कंपनी ने इस गाड़ी की सिर्फ 3 यूनिट्स बनाई थी, जिन 3 में से 1 यूनिट तो इस कंपनी के ही मालिक हॉरेशियो पैगानी ने खरीद ली, मतलब ले ली, मतलब वो क्यों खरीदेगा यार। इस गाड़ी को 2017 में अनवील किया गया था और इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि कंपनी के मालिक को एज अ गिफ्ट दी जा सके, लेकिन 2 पता नहीं और कैसे बन गई। इस गाड़ी का वजन है, मतलब कि कर्व वेट है 1250 किलोग्राम्स और इसमें 7.3 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मर्सिडीज AMG 12 वाल्व इंजन मिलता है जो 790 bhp की पावर जनरेट करता है और 850 nm का टॉर्क। बात यह नहीं है, बात यह है कि इतनी महंगी गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। हद हो गई यार। और अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी के बारे में, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नाम है रोल्स रॉयस बोट टेल। इस गाड़ी की कॉस्ट है 280 लाख डॉलर्स, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 204 करोड़ 40 लाख रुपए की मिलती है। 200 करोड़ रुपए की एक गाड़ी जिसमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं।
इतने पैसों में तो यार हम 583 फॉर्चुनर या फिर 5833 ऑल्टो खरीद सकते हैं भाई। मतलब इस गाड़ी को तो चुराने की भी जरूरत नहीं है, इसको छू भर लो 3-4 लाख तो वैसे ही मिल जाएंगे। इस गाड़ी को अभी हाल ही में बनाया गया है जिसकी सिर्फ 3 यूनिट्स बनाई गई हैं और सबसे पहली यूनिट खरीदी है अमेरिकन सिंगर बियॉन्स और उनके हस्बैंड रैपर जे जैड जो भी कहो उनने खरीदी है। और सिर्फ खरीदी नहीं है, इस गाड़ी को कस्टमाइज कराया है अपने हिसाब से और इनके कस्टमाइजेशन की वजह से ही इस गाड़ी को 4 साल लगे हैं बनाने में। अपनी शैंपेन रखने के लिए पीछे इस गाड़ी में डबल रेफ्रिजरेटर लगवाए गए हैं जो 6 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है शैंपेन का। इस गाड़ी का नाम बोट टेल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो ओनर हैं जिन्होंने इसे कस्टमाइज कराया है उन्हें बोट्स काफ़ी पसंद हैं और इस गाड़ी का जो रियर पोर्शन है वो बोट से ही इंस्पायर्ड है। कस्टमाइजेशन तो खैर इन्होंने बहुत सारे करवाए हैं, सारे बनाने बैठ जाऊंगा तो एक और नया वीडियो बनाना पड़ेगा। हाल फिलहाल जितना इसमें बता सकता हूँ उतना बता देता हूँ कि इस गाड़ी की अभी तक इंजन डिटेल्स रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन जहां तक है इसमें 6.75 लीटर 12 वाल्व इंजन मिला करेगा जो लगभग 563 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 850 nm का टॉर्क। देखने में आपको ये गाड़ी भले ही थोड़ी छोटी लग रही होगी लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की लेंथ लगभग 6 मीटर है। तो ये थी पूरी दुनिया की सबसे महंगी 10 गाड़ियां 2021 में। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और किसी दिन सपने में आपको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं तो इनमें से किस गाड़ी को आप खरीदना पसंद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।